दोस्तों, इस समय समीर वानखेड़े पूरे भारत में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं। ये बताने की जरूरत नहीं है कि क्यों वो बने हुए हैं। तो इनका जन्म, शिक्षा, विवाह, पढ़ाई, नौकरी, कब शादी की, किससे की, माता का नाम, पिता का नाम, कहाँ जन्म हुआ, किस तारीख को हुआ, कितनी इनकी बच्चियां हैं, कितने लड़के हैं, सब कुछ पूरा का पूरा इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा करंट अफेयर है। इससे ज़रूर एक आध प्रश्न जो है आगामी परीक्षा में पूछा जाएगा। तो जानकारी के हिसाब से भी, परीक्षा के हिसाब से भी अपन इसको देखते हैं। तो पूरा का पूरा जीवन परिचय अपन जो है देखते हैं। पहले इसकी अपन आउटलाइन देखेंगे, फिर पूरा का पूरा डिटेल में मैं ये जो चीज़ आपको बताऊँगा। पूरा नाम है इनका समीर वानखेड़े। जन्म 14 दिसंबर 1979 को महाराष्ट्र में हुआ। अभी आयु 42 वर्ष है। पिता का पूरा नाम था ज्ञानदेव कचरूजी वानखेड़े। माँ का नाम था जहीदा वानखेड़े। पहली पत्नी का नाम डॉक्टर सबाना कुरैशी, दूसरी पत्नी का नाम क्रांति रेडकर वानखेड़े था। बच्चे जायदा और जिया थे, और जो है बहन जो है यस्मीन वानखेड़े हैं। धर्म इनका हिंदू है। अब पूरा डिटेल में अपन जो है जानते हैं। तो समीर वानखेड़े का जन्म जो 14 दिसंबर 1979 के दिन जो है महाराष्ट्र में हुआ था। इनके पिता का नाम ज्ञानदेव कचरूजी वानखेड़े था। समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव कचरूजी वानखेड़े एक्सरसाइज विभाग में सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर के पद से साल 2007 में रिटायर हुए थे। ठीक है, कहाँ थे? एक्सरसाइज विभाग में थे, आबकारी विभाग में थे। ठीक है, वहीं सामी वानखेड़े की मां का नाम जहीदा वानखेड़े था। ये मुस्लिम थी, पिता हिंदू थे। समीर वानखेड़े के पिता हिंदू धर्म से हैं, वहीं उनकी मां मुस्लिम धर्म की थी। ठीक है, समीर वानखेड़े की जो है एक बहन भी है जिनका नाम यस्मीन वानखेड़े है। वह पैसे से क्रिमिनल लॉयर है, वो भी एक वकील का काम करती हैं। समीर वानखेड़े ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा एक प्राइवेट स्कूल से पूरी की है। शिक्षा पूरी करने के बाद बनी समीर वानखेड़े सिविल सर्विसेज की तैयारी में लग गए और 2008 में ये चयनित हो गए। ठीक है, इसके बाद वह आईएएस अधिकारी जो है बन गए। ठीक है, इसके बाद जो है मैं आपको बताऊँ कि इनका वैवाहिक जीवन के बारे में थोड़ा सा अपन जो है जान लेते हैं। ठीक है, तो समीर वानखेड़े ने 2 शादियाँ की हैं। पहली शादी 2006 में की, जो पहली पत्नी थी उनका नाम डॉक्टर सबाना कुरैशी था। यह दोनों लगभग 10 साल तक एक दूसरे के साथ रहे। ठीक है, इसके बाद साल 2016 में आपसी रजामंदी से दोनों तलाक ले लिया। इसके बाद समीर वानखेड़े ने मराठी फिल्म एक्ट्रेस क्रांति दीनानाथ रेडकर से शादी कर ली। किससे? क्रांति दीनानाथ रेडकर। दीनानाथ इनके पिता का नाम होगा, क्रांति इनका नाम होगा। ठीक है, इनकी 2 जुड़वा बेटियां हैं, जायदा और जिया। बता दें कि क्रांति रेडकर ने आज़ादी गन के साथ फिल्म गंगा जल में जो है अभिनय किया है। अब समीर वानखेड़े का करियर देख लेते हैं। तो इंडियन रेवेन्यू सर्विस ज्वाइन करने के बाद समीर वानखेड़े को जो इंडियन रेवेन्यू सर्विस में इनका जो सिलेक्शन हुआ था, ठीक है, IRS में हुआ था। ठीक है, इसके बाद इनकी पहली पोस्टिंग मुंबई एयरपोर्ट पर हुई, जहां छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डिप्टी कमिश्नर, कस्टम कमिश्नर के रूप पर ये तैनात रहे। और बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो भी यहां पे आते थे, तो ये उनसे जो भी बाहर से सामान लाते थे उस पर टैक्स ये लेते थे, जुर्माना लगाते थे। जब वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लेके इंडिया टीम आई, तब भी उनसे भी उन्होंने जो है जुर्माना वसूला था। ठीक है, इसके बाद इनके अच्छे कामों को देखते हुए इनको जोनल डायरेक्टर NDPS का मुंबई ब्रांच का बना दिया गया था, जिनने कई बड़े बड़े पर्दाफाश किए, जिनके कारण इनके ऊपर कई लालछन लगाए जा रहे हैं। तो हमने इनका पूरा परिवार जाना, दोस्तों सब कुछ जाना इनके बारे में। और ये अगर अच्छा लगा हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि और लोगों तक जानकारी पहुँच